फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का जो फेस लॉक है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, फेस लॉक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा होता है ना, उसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट भी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में ये जो है फाइल का ऐप होता है ये वाला, इस फाइल के ऐप को ना ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर आपको इस सिस्टम ऐप का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। आपको जो है इस वाले पेज में नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। आपको इसके अगले पेज में ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है स्टोरेज का, स्टोरेज पे टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको जो है नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ी देर में जीरो हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपने जो भी पहले वाला फेस लॉक लगा रखा है ना, उस पहले वाले फेस लॉक को डिलीट करके एक नया फेस लॉक आपको सेट कर लेना है, ठीक है। इससे फेस लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, ठीक है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर ना कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर इस पेज पे आपको लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम आपको करना क्या है कि मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन का ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है, ठीक है। आपको जो है अगले पेज में यहाँ पर जो है इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे ना, तो आपका नीचे पेज आता है, इसमें देखिए इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की फेस लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में पहले तो, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी फेस लॉक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।